हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज तो मैं बहुत ही लेट उठा हूँ, 4:30 बज गए हैं। तेनू चार लगा, तेनू प्यार मैं करा, तेरी अखियां जो अखा पाके भूल दारा। देखो आज मम्मी का टूटा टूटा फोन, ये देखो उनका टूटे टूटे पति। पति देव, मम्मी के पति देव। लाला जी चाय पी ली? अभी पी के ही हटे पापा। फिर आज एमसीडी की ड्यूटी नहीं करनी? एमसीडी की ड्यूटी क्या होता है? ये आपने पहन तो रखे है एमसीडी वालों की जैकेट। अबे ये तो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की है। ये तो वो है एमसीडी वाली, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया। पार्क में जो खड़े होते हैं ना सिक्योरिटी गार्ड्स, उनकी भी यही होती है। मैं भाई एक कचरा निकाल नहीं पाया, मैं कहां से कचरा निकालूंगा। इमोशनल डैमेज। पापा इज हैविंग फन गाइस। तुम देख रहे हो पापा मेरे कितना मजाक करते हैं। तुम ये फोन देख रहे हो, ये फोन टूटा हुआ फोन है। तो आओ मम्मी, आज आपका फोन बदला जाए। इसमें से कांच निकलता है आपको पता है, पीछे से कांच निकलता। इसके बैक टूटी हुई है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि इससे से कुछ चिचक चुचुक हो रहा है। तो फिर पापा निकालो पैसे, 1.5 लाख रुपए भाई। फोन कहाँ से दूँ, मेरे पास नहीं है। इन्होंने कभी कहा है कि मेरे पास है? भाई ये जो मैडम आपके पास है, ये एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं जिसमें से पैसा आता है, वो पैसा मांग रहा हूँ मैं आपसे। वो उसके अकाउंट में पड़ा, निकलवाना पड़ेगा। तो निकलवा के दो भाई। एक बात समझो, मम्मी जिस औजार से अपनी वीडियोस बनाती है, पैसा बनाती है, वो औजार ही खराब हो गया तो फिर नया तो लेके देना पड़ेगा ना भाई। इसका औजार तो रोज दूसरे दिन ही खराब होता है, वहां से टूटा पड़ा होगा, 4 दिन बाद फिर टूट जाएगा। देख रहे हो मम्मी ने फोन कैसे फेंक के मारा, इसकी हालत देख रहे हो, मतलब इतना बुरा मारा। वैसे तो मम्मी को नोकिया 1600-3200 लेके देना चाहिए, बट हम क्या करें, हम बच्चे बहुत प्यार करते तो हम कहते कि नया फोन ले लो मम्मी। अरे ये वही कहावत है, बांदरा नु बलैती टोपियां। चलो क्यूटी लग रही है तो मम्मी, बारबी डॉल आ जाओ, बारबी डॉल नया फोन लेके दे। बारबी बारबी डॉल देख कितनी खुश हो रही मम्मी। और देखो हमारी फोन की डिलीवरी करने कौन आया है। हाँ जी पांडा जी, क्या हाल है? अरे आप हो गया? यो ब्रो। ये देखो मम्मी, इन पांडा में और इस पांडा में क्या फर्क है बताओ बताओ। पास रख दे। ये देखो गाइस, इन दोनों में क्या फर्क है भाई बताओ, कौन ज्यादा स्वीट है? आप ही सबसे सुंदर हो यार, क्यूटी पॉय। पांडा तो आपके सामने कुछ भी नहीं है, यू आर द मोस्ट हैंडसम पांडा इन दिस वर्ल्ड। भाई बुरा तो नहीं लग रहा? ना भाई कोई बुरा नहीं लग रहा। लगना भी नहीं चाहिए, तुम्हें तो क्यूट पांडा हो रहा, गोलू गोलू। और मम्मी ये देखो, ये आपके लिए फोन लेके आए हैं, गिफ्ट नहीं दे रहे, पैसे नहीं दे रहा हूँ इसके। तू तो गिफ्ट दे रहा है ना मुझे। अनबॉक्सिंग। ओ माय गॉड, फिर से सिल्वर टाइटेनियम 15 प्रो मैक्स, जो मम्मी से संभलने नहीं वाला। ओहो भाई फिर लेके दे रहा हूँ। ये कितने कितने महीने चलेगा मम्मी? ये 1 महीना 2 महीना 3 महीना 1.5 साल चला है ये। तो 1.5 साल चलेगा मतलब? हाँ, आपका आईफोन कितने साल चलता है? मेरा साल चलता है 2-3 साल चलता है, पर इस फोन की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, इसमें बढ़िया कवर टेम्पर लगा के मैं रखूंगा। मैं रखूंगा, मैं मतलब टूटने नहीं दूंगा फोन को, मतलब लगा के देंगे, लगा के मैं दिया करूंगा। तो दो फिर है, दे देंगे, अभी फोन तो ले ले पहले। चलो गाइस, ये आ गया है मम्मी का 15 प्रो मैक्स अनबॉक्सिंग। ऊपर से तो दिखाओ हटा के पन्नी। वाओ, लेट्स गो लेट्स गो। चलो मम्मी कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। ये गिफ्ट आपका मेरी तरफ से, अब 1.5 लाख रुपए दे दो, पैसे भी तो देने हैं, आपने देने हैं। अरे सच में, ये कौन सा गिफ्ट? ऑर्डर करना मेरा ड्यूटी है, उसका पैसा देना तो आप ही को देना पड़ेगा ना डॉन भाई। कोई बात नहीं, दे देंगे। ठीक है चलो पैसा लाओ। अरे सही में लाओ, ये लो पैसा लो। नहीं सही में लेके आओ। कितने का भाई है? 2 लाख। ओ पागल हो क्या, वापसी ले जाओ। नहीं लेना भाई, 2 लाख रुपए कौन देगा भाई। ये हम रख लेते हैं, ये आप ले लो, ये वापिस ले लो, डब्बा वापसी। गाइस पैसे कमी होने के चक्कर में आईफोन 15 वापसी देना पड़ा। ट्रिगु भाई ये देख ले, मम्मी का नया फोन आ गया। पिछला तो तूने ले लिया, तूने ले लिया, मेरे लिए आया तो मैं ही लूंगा ना। पर उम्मीद तो वो लगा के बैठी थी ना कि वो उनको मिल जाएगा। नहीं। मम्मी की शक्ल देखी, मेरे को लगा था मुझे मिलेगा।
ओ मम्मी मैंने आपको 13 भी दिया, 14 भी दिया, एक 15 ही तो लिया था तब बस। से दिल टूटा हुआ, 15 नहीं मिला उनको। चलो अब मिल गया, इसीलिए तो फोन तोड़ा जान के कि मेरे पति ने मेरा फोन नहीं दिया। मैं मम्मी को फोन यूज करते हुए दिखाऊं जरा, कवर देना अपने फोन का कोई, एक सेकंड एक कवर निकाल के दो, मैं मम्मी कैसे फोन यूज करती है वो दिखाता हूँ। वो देख पाए ऐसे आती है, गिर गया। अरे भाई लिटरली ऐसे आके यहाँ रखती है फोन ऐसे, ये फिर कहती है ओ गिर गया, टूट गया, नया ले दो। अरे किधर गए तू बेटा? मैं बताऊँ कैसे, मैं सही बता रहा हूँ, जब भी पापा का कोई फोन मैं वापसी बेचने जाता हूँ ना, वो कहते हैं ये किसने यूज करा है, ये तो बहुत ही अच्छा फोन है, मतलब एज इट इज। और मम्मी का फोन कैसा होता है, मम्मी कहती है अच्छा 14 है, हेलो हाँ 15 आ गया, 15 आ गया मार्केट में, 15 आ गया, मेरे बच्चों ने 15 नहीं लेके दिए, ये ले 15 आए। नहीं, ऐसे नहीं। हेलो क्या 15 आ गया? अरे 14 टूट गया, अरे माय गॉड टूट गया। ऑफिस में बैठता हूँ ना, टेबल के ऊपर पहले हैंकी रखता हूँ, हैंकी के ऊपर मोबाइल रखता हूँ। नहीं अब फोन कभी एक स्क्रैच कोई नहीं, अभी 15 आया है, कल S24 आने वाला है, फिर क्या S24 अब नहीं टूटेगा फोन पांडा भाई, अब नहीं टूटेगा फोन, आप संभाल लो फोन। मैं बढ़िया कोई लोहे वाला कवर डाल दे, मैं बढ़िया कवर लगा के रखा। तो अब शाम हो गई है, वैसे आज हमें जाना था शादी पे, लेकिन हमेशा की तरह मल्लन साहब कह रहे मैंने नहीं जाना, और निश्चित चला गया लाइव स्ट्रीम करने, वो भी कह रहा मैंने नहीं जाना। अभिषेक रेडी हो रहा है, उसने तो अपना सैलून खोला हुआ है, तो मैंने कहा ठीक है फिर नहीं जाना तो बना लेते हैं सूप। अब मैंने टमाटो सूप बनाया, मैंने कहा नया फ़ोन मिला तो थोड़ा सा मैं भी रिकॉर्ड कर लूँ। पहले मैं निश्चय को दे के आती हूँ, क्योंकि उसकी लाइव स्ट्रीम स्टार्ट हो जाएगी तो फिर कहेगा, लाइव स्ट्रीम स्टार्ट होते ही आप कुछ खाने पीने को ले आते हो। अब पीछे से मल्लन साहब कुछ बोल रहे हैं। हाँ जी, तूने मेरे को कहा भी शादी में जाने से मना कर दिया, मैंने कोई मना नहीं करा, तूने मेरे फोर्स ही नहीं करा, मैंने कहा इसका मतलब इसका दिल ही नहीं है, इसलिए नहीं तो मैं कसम से जाता हूँ। सही बात है, सही बात है, मतलब ये कहते हैं कि मेरे को वो इम्पोर्टेंस दो, मेरे को बार बार मेरे को बोलो कि चलो 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 तब जाएंगे ये, तो मैंने आज बोला नहीं इनको ज्यादा, इसलिए कह रहे हैं मैं अब बोल देती हूँ चल लो। अब क्या, अब तो चल लो, अब मूड अपसेट हो गया, नहीं अब मेरा दिल टूट गया। ओए होए नहीं, अब मैं बोल रही हूँ ना चल लो, नहीं तूने इतने प्यार से कहा ही नहीं पहले, देखा ना जाने के बहाने। नहीं जी मैं पक्का गया था। मैंने खाना बनाना है, मलन साहब खाने की वेट कर रहे हैं, और ये देखो इन्होंने मेरी किचन को सैलून बना के रखा हुआ है, आधे घंटे से तैयार ही। भाई तुम्हारे घर में कोई पावर पॉइंट ही नहीं है तो क्या करे, किचन में एक पावर पॉइंट है वहीं बनाने पड़ेंगे बाल। तो भाई 10 मिनट 15 मिनट कितना टाइम लगाओगे यार, यू नो वी आर वेरी बिग सुपरस्टार्स सो वी टेक टाइम। अभी हमारी मूवी आनी है 5,000 करोड़ के बजट वाली, पता नहीं क्या आपको 5,000 करोड़ का बजट में हमारी मूवी आ रही है एनिमल की अभी कॉपी। शादी पे जाने के लिए तेरे को 4 घंटे लगते तैयार होने के लिए, तो मूवी में जाने के लिए कितना टाइम लगेगा? सुन तो पूरी बात नहीं सुनी, अब एनिमल आई थी, एनिमल 5,000 करोड़ की है, तो एनिमल की कॉपी बोलती गलती से मैंने, एनिमल का कॉम्पिटिशन पूछो क्या आ रहा है, क्या है फ्लावर। हाँ सही बात है, चुकेगा नहीं। अब आ रहे फ्लावर लेके हम 5,000 करोड़ की, और ये हमारे स्टाइलिस्ट नहीं कह रहे मुझे टाइम दिया करो, ये एक घंटा लेने का भी कहते हैं, अभी थोड़ा आधा घंटा और दे दिया करो, तो मुझे प्रेशर मत दो के तू। नहीं नहीं उस मूवी में हेयर स्टाइलिस्ट तो मैं ही रहूंगा ना, फिर तो मूवी बन गई 2 साल में, 2 महीने का उसमें बजट में 2 साल का काम कराना पड़ेगा, क्योंकि भाई के 12 के 12 घंटे तो बाल ही सेट नहीं होते मेरे, नहीं होते आप। बड़ी देर बाद दुल्हन तैयार हुई है, ओहो। इतना टाइम तो दुल्हन भी नहीं लगाती, मेरे को लगता है इतना टाइम तो दूल्हे ने भी नहीं लगाया होगा तैयार होने में। It takes me only 5 minutes to get ready. फिर से देख, फिर मेरे को कहता आपको कोई शक है कि मुझे नहीं लगाने आते लेंस, भूख लगी हुई है भाई। तेरे को पहुंचने में भी पता कितना टाइम लगना है, वो इतनी बड़ी चम्मच से खा रहे। सलमान भाई शादी में जाने के लिए तैयार है, सलमान भाई की कभी खुद नहीं होती, वो हमेशा शादी में जाते हैं। आंख कितनी लाल हो गई है, जो जो मैं नशे है, जुम 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 जाब, बहुत लेट हो गया, लेंस पहन रहा था, आंख में दर्द हो गई, चम्मच से मजा आ गया।
चल ओके बाय। अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना। दुआओं में याद रख, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस। इश्क़ चेचना।